मॉर्निंग स्टूडेंट, कल मैंने आपको पाठ चार के अभ्यास कार्य और एक पदेन प्रश्न उत्तर समझाई। आज मैं आपको पूर्ण वाक्य में प्रश्न उत्तर समझाऊंगी और पेज नंबर 19 का अभ्यास कार्य भी समझाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय निरीक्षिका छात्रन किम अकथयत। विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों से क्या कहा? तो आंसर है आपका, विद्यालय निरीक्षिका छात्रान परिचितुम अकथयत। विद्यालय निरीक्षक ने छात्रों से परीक्षा के लिए कहा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उच्च शिक्षाई गांधी विदेशम गच्छन काम प्रतिज्ञाम अकरोत। उच्च शिक्षा के लिए गांधी ने विदेश जाकर कौन सी प्रतिज्ञा की? उच्च शिक्षा के लिए गांधी ने विदेश जाकर प्रतिज्ञा की कि ना हम मैं कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, पर नारी मातृतुल्यम अब गमिष्यामि, दूसरी नारी को माता के समान समझूंगा। तीसरा है आपका, अस्य विधि कार्य मन केन करणेन न अर्मत। इस विधि कार्य में मन किस कारण नहीं लगा? आंसर है, महात्मा गांधी से मना देश से दुर्दशा विलोक्य विधि कार्य न अर्मत। महात्मा गांधी का मन देश की दुर्दशा बुरी दशा देखकर विधि कार्य में नहीं लगा। चौथा है आप, कस्य प्रयासनेन भारतम स्वतंत्रतम अभवत। किसके प्रयास से भारत स्वतंत्र हुआ? तो आंसर है आपका, महात्मा गांधी महापुरुष पुरुषस्य अनवरत प्रयत्नेन अस्माकं भारतं स्वतंत्रतम अभवत। महात्मा गांधी के लगातार प्रयत्न से हमारा भारत आज़ाद हुआ। यह आपका हो गया बेटा प्रश्नोत्तर। अब मैं आपको समझाती हूँ भाषा ज्ञानम। अधोलिखितानि वाक्यानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत्। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश के अनुसार बदलिए। स सत्यस्य अहिंसाया च उपासका अस्ति, ये बदलना है लंग लकार में। स सत्यस्य अहिंसाया च उपासकः आसि। दूसरा है, स अध्यापकस्य आज्ञां न अनुपालयति, बहुवचन में बदलना है। ते अध्यापकस्य आज्ञां न अनुपालयन्ति। तीसरा है, बालका विद्यालयं प्रति गच्छति, इसमें ये बदलना है द्विवचन में, बालको विद्यालयं प्रति गच्छतः। चौथा है, पिकस्य स्वर मधुरा भवति, ये बदलना है लंग लकार में, पिकस्य स्वर मधुरा अभवत। पांचवा है, भारतीय एनम प्रेमणः बापू इति कथयन्ति, ये बदलना है द्विवचन में, भारतीय एनम प्रेमणः बापू इति कथयतः। ये बेटा आपके हो गए वाक्य निर्देश के अनुसार। अब है संधि क्रोध, संधि कीजिए। यदा प्लस अयम यदायम, विषय प्लस अध्यापक विषयाध्यापक, न प्लस अर्मत नार्मत, महा प्लस आत्मा महात्मा, विद्या प्लस आलय विद्यालय, न प्लस अहम नहम, सत्य प्लस आग्रहम सत्याग्रहम, अति प्लस अधिकम अत्यधिकम। ये बेटा आपकी संधि हो गई। अब आया आपका आगे क्वेश्चन झा, उचितम विकल्प सही चिन्हम प्रदर्शित, सही पर सही का निशान लगाइए। अस धातु लंगलका प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। आसीत आस्तम या आस्ताम, आस्ताम सही है तो आस्ताम पर सही का निशान लगाना है। दूसरा है, अकथ्यत रूप किस पुरुष और वचन में होता है? अकथ्यत रूप प्रथम पुरुष एक वचन में होता है तो प्रथम पुरुष एक वचन में सही का निशान लगाना है। तीसरा है, वे दोनों गई की संस्कृत तो अगछताम, तो अगछताम पर सही का निशान लगाना है। चौथा है, यदा अयम की संधि विच्छेद है,
यद प्लस अयम, ये सही है, इस पर सही का निशान लगाना है। चौथा पांचवा है आप लोग के शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है? लेप। अब लोक में लेप प्रत्यय लगा है, इसलिए लेप पर सही का निशान लगाना है। ये आपका बेटा होमवर्क है, प्रश्न उत्तर करने हैं आपको फेयर कॉपी में, और होमवर्क ये जो है अभ्यास कार्य आपको करना है बुक में, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।